आरपीएससी आईएन 2015 का पेपर है एफटी का। तो इसमें हम देखते हैं, 2 घंटे के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, टाइम 2 घंटे का है। सबसे पहले है राजस्थान के, जैसे 2013 में हुआ था, 13 के बारे में राजस्थान की चीजें पूछी जाएगी कि राजस्थान के किस जिले में 2013 में तेल रिफाइनरी स्थापित करना प्रस्तावित है। फिर जयपुर में अप्रैल 2013 में आयोजित राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फिर है इंडिया ग्रोज एंड नाइट के लेखक कौन है, तो ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, एक दिवसीय क्वेश्चन हो गया। फिर है पाकिस्तान सेना द्वारा गिरफ्तार सरबजीत सिंह की मौत हुई है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से हो गया। कौन सा देश यूक्रेन में आयोजित यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट 2012 को जीता है, तो फुटबॉल के बारे में हो गया। तो खेलों से बारे में संबंध में एक क्वेश्चन हो गया करंट जीके का। सेनकाकू द्वीप ओयू द्वीप समूह किन देशों के बीच विवाद का स्रोत है, दो द्वीपों के बीच में यानी दो देशों के बीच में कोई विवाद चल रहा है उससे रिलेटेड हो गया क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न नामक का एक पुरस्कार उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया जिन्होंने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है, तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न नाम का पुरस्कार किन व्यक्तियों के लिए चालू किया है। फिर है मोयान ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2012 में जीता, वे किस देश से संबंधित है, 2017 की जीके पूछी जा सकती है 2018 के अंदर। फिर है संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, किस खेल से सिरमौर कप संबंधित है, तो खेल से रिलेटेड हो गया। अप्रैल 2013 में सार्क के केंद्रीय मंत्री स्तरीय मीटिंग गरीबी पर किस देश में हुई थी, तो सार्क की जो बैठक है वो किस देश में हुई, 2018 में किस देश में हुई है वो हम देख लेते हैं। अप्रैल 2013 में किसने केन्या के चौथे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो अप्रैल में कहां कहां के राष्ट्रपति ने क्या क्या शपथ ली है, तो ये हम देख लेते हैं कि 2018 में क्या क्या शपथ ली हुई है 2018 में अगर पेपर होता है तो। पूरे भारत में किस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये दिवस के रूप में क्वेश्चन हो जाता है। फिर बॉलीवुड की सर्वोच्च सम्मान दादा फाल्के पुरस्कार है, 12 अप्रैल 2013 को किसे दिया गया, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में किस वर्ष किसे दिया गया है ये हम देख लेते हैं। राजस्थान की दीपिका राठौर प्रसिद्ध है, तो राजस्थान के अंदर किस किस ने क्या क्या अवार्ड जीता है 2013 के एट एशियन गेम्स के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने कराकस में कैंसर के कारण मृत्यु हो गई, तो कैंसर के कारण मृत्यु हो गई है, किस वजह से मृत्यु हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु की वजह से आ सकती है। कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम 159वां सदस्य बना है, तो कौन सा देश है इनमें जो नवीनतम सदस्य बना है 59वां। घुटन पेश आंदोलन का 16वां शिखर सम्मेलन 16 से 26 अगस्त 2012 के भी दौरान हुआ था, तो घुटन पेश आंदोलन कहाँ हुआ है, उनका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है वो हम देख लेते हैं 2018 में। 2013 में मियामी फ्लोरिडा 18वीं मियामी मास्टर प्रतियोगिता किसने जीती है, तो कोई प्रतियोगिता हुई है वो किसने जीती है वो हम देख लेते हैं। भारत का आर्थिक इतिहास के लेखक कौन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये हम देख लेते हैं कि ये बुक है किसने कौन सी बुक लिखी है। तो गेजिंग एक्ट क्या है, मूवबंद करने वाला अधिनियम किसने लगाया था गेजिंग एक्ट, देशी समाचार पत्र अधिनियम ये इनमें से कोई अधिनियम है वो हम देख लेते हैं। एल्बर्ट बिल विवाद कौन से वायसराय के काल में गठित हुआ था, एल्बर्ट बिल कौन से वायसराय के काल में गठित हुआ था ये हम देख लेते हैं। ये राजस्थान जीके क्वेश्चन आ जाते हैं हम, 20 क्वेश्चन करंट जीके के, फिर राजस्थान जीके के। सिंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की है, ग्रंथों की रचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, तो 1857 के ग्रंथ राजस्थान का एजीजी कौन था उस टाइम। कोटिया अम्बा मेला कहाँ बढ़ता है, तो ये मेला हो गया एक। कठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे। फिर है स्वतंत्रता वावनी रचना है, राजस्थान के जलियावाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम स्थित है। फिर है करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की है। फिर है जो अर्जुन लाल सेठी ने
कहाँ से संबंधित है, उदयपुर संबंधित है, जयनारायण नाथ जोधपुर संबंधित है, गोविंद गुरु बापुर संबंधित है, या कृषि सिंह भारत मेवाड़ संबंधित है। ऐसे युग में है जैसे कि सहस्त्र बाबा मंदिर है नागदा में है, महानालेश्वर मंदिर मेनाल में है, सोमेश्वर मंदिर सिरोही में है, या गोटेश्वर मंदिर बाड़ोली में है। तो गलत युग में हमें इसमें से पहचानना है। गबरी देवी राजस्थान के किस लोक संगीत शैली के लिए जुड़ी हुई है? टोंक को ढूंढानी कहते हैं, बारा को आड़ोती कहते हैं, पाली को जागड़ी या करौली को मेवाती कहते हैं। इनमें से इनकरेक्ट पहचानना हमें। यूनानी बौद्ध शैली कला शैली कहलाती है, तो यूनानी बौद्ध शैली कला कौन सी कहलाती है? इनमें गंधार, सारनाथ, अमरावती। संत पीपा के गुरु कौन थे? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित थे? मोहनलाल जो थे किस शिल्प से संबंधित काम करते थे? गुड़ला त्यौहार कौन से हिंदू माह माना जाता है? तो त्यौहार से होगा 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं? ये हो जाएगा एसी सप्लाई हमारे घरों में क्या होती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती है। मिर्ची का उदाहरण है पूर्णांतरिक प्रवर्तन का होता है मिर्ची का, जिसे मर्ज भी कहते हैं। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 6 गुना अधिक हो जाता है, 6 गुना कम हो जाता है, 6 गुना कम हो जाता है। एसी की वोल्टेज को डीसी में बदलता है, वो क्या है? रेक्टिफायर है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं, कब मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? वो है नाइट विजन कैमरा यूज होता है, नाइट विजन कैमरा में कौन सी किरणें यहाँ पर यूज होती हैं? नीरो प्रोग्राम काम में लिया जाता है, तो नीरो प्रोग्राम के लिए क्या हम काम में लेते हैं? तो कंप्यूटर के क्वेश्चन लिए जाते हैं। समान भार के पदार्थ की मात्रा होगी, तो समान भार के में पदार्थ की मात्रा क्या होगी? चंद्रमा पर न्यूनतम होगी, भूमध्य रेखाओं पर न्यूनतम होगी, और सभी स्थानों पर समान होगी, चंद्रमा पर न्यूनतम होगी। फिर है मूर का नियम किससे संबंधित है? प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? वायुमंडल में ओजोन का सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर होता है? मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? एक वर्णांध व्यक्ति प्रोटेनोपिया रोग से ग्रसित होता है, इसका तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान स्थित है। हमारे सौर तंत्र में तारों की संख्या कितनी है? 3G नेटवर्क के लिए क्या सही है? कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई क्या है? कंप्यूटर वायरस होता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? भारत में निम्न में से किस उद्योग में सबसे ज्यादा लोगों की रोजगार मिला हुआ है? डॉक्टर विजय किलकर समिति 2012 की संबंधित है, कौन कौन सी समितियां बनी हुई 2018 में वो हम देखने हैं। राजस्थान में 2005-06 में मंगरा क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की गई है, जिलों में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर सुधार से संबंधित थी, तो मंगरा योजना क्या है? राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में की गई, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अधसंरचना विकास कोष RIDF का संचालन करती है। फिर है ब्याज अनुदान सहायता की योजना, क्या मतलब है इसका ब्याज अनुदान सहायता योजना का? घरेलू क्षेत्र से आंतरिक बचतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2013 के बजट में कुछ उपाय घोषणा की, तो 2018 में बजट में क्या घोषणा की है वो हमें देखना है। कौन सी भारी एजेंसियां दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान कर रही हैं? केंद्र सरकार ने वर्ष 2008-09 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की है, इसका उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार की जो भी योजना है। मेन फंक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का मेन फंक्शन क्या है? फिर है रिको डेवलप औद्योगिक आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद पार्क विकसित कर किए हैं, तो कहां कहां पर किए हैं रिको ने, तो रिको ने क्या काम किया है वो हमें देखना है। राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है? चालू खाते में घाटे की हमारी वर्तमान समस्या के लिए निम्न में से कौन से कारण प्रासंगिक हैं? रिको ने फिक्की के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा एवं वस्त्र मेला 2012 का आयोजन किया है, वो कहां में आयोजन किया हुआ है? फसलों पर विचार करना है, चावल गेहूं बाजरा, तो कौन सी खरीफ की फसल है कौन सी रबी की फसल है वो हमें देखना है। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? मालकोट किला सीकर में है, रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, बराह मंदिर कहाँ पर है, ओमेर या सोमल देवी का मंदिर कहाँ पर है वो हमें देखना है। जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है, ताबा कहाँ पर पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट कहाँ पर है, और शीशा और जस्ता की खान कहाँ पर है ये हमें देखना है। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति कहाँ पर है, ज़्यादातर कहाँ रहती है कथोड़ी जनजाति?
जैसे बादला कहाँ पर है, ब्लू पॉटर किसे कहते हैं, नमदा क्या है, अजरंग का प्रिंट क्या है, तो ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है। नील अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, परंतु कौन सी नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है, अपवाह क्षेत्र कौन सी नदी का बड़ा है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, फिर है ब्रोमले पठार कहाँ पर है, राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र किसका है, राजस्थान 2011 का लंगन पथ क्या है, कॉकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है, तो कॉकरेज गोधन की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की किसकी नस्ल है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, फिर है कौन सा युग सही नहीं है, जैसे तकला मकान अफ्रीका है, गोबी एशिया, अटकामा दक्षिण अमेरिका, काराकुमा तुर्कमेनिस्तान, तो कौन सा युग सही नहीं है इनमें से। नदियां अरब सागर में मिलती हैं वो कौन सी नदी है, आमूर खेतान, आबू यूनेसी, अमूल सरदरिया, कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, फिर है विश्व में महान रोधी प्रवाल व्यक्ति कहाँ स्थित है, भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, हाथी परियोजना का प्रारंभ, भारत में याक अधिकतर किस क्षेत्र में मिलते हैं, भारत में किस वर्ष में वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुंदरता की मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, राजस्थान का कौन सा जिला 95% से अधिक फेल्डस्पार का उत्पादन कर रहा है, राजस्थान में लिखित में से कौन से जिले में बेंटेनाइट की महत्वपूर्ण भंडार है, और राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है। तो ये क्वेश्चन है जो प्री जीके के अंदर 100 क्वेश्चन आए हुए हैं।